एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार से मैं राकेश कुमार। बिहार के समस्तीपुर जिला के उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में इम्तियाज राजा की खास रिपोर्ट, जहां से इम्तियाज राजा के द्वारा बताया जा रहा है युवा समाज सेवी सत्यनारायण सिंह के द्वारा लगातार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। पूर्व से ही लगभग 5 वर्षों से क्षेत्र में किसानों के साथ, मजदूर महिलाओं के साथ, किसी भी परेशानी में, किसी भी सुख दुख में अपना योगदान देने वाले युवा समाज सेवी सत्यनारायण सिंह इस बार उजियारपुर विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में देखे जा रहे हैं। आइए, क्या है रिपोर्ट, मैं आपको दिखा। हम वो देखे होइएगा, आप लोग के बीच में हर एक गांव में जरूर हम कोई ना कोई माध्यम से आपके बीच में जरूर आए होंगे, या सैनिटाइज कराने में, या मास्क साबुन बांटने में, या फॉगिंग कराने में। फॉगिंग जो है, अभी आप गांव के लोग तो हमको लगता है जो नहीं देखे होंगे, अगर आप लोग कोई देखे होइएगा इससे पहले तो कोई भी आदमी बताएं, कोई भी आदमी देखे हैं फॉगिंग इससे पहले? कोई भी आदमी देखे हैं जो इस आपको 10 दिन पहले हुआ था, इससे पहले देखे थे? कोई सांसद विधायक करवाए थे? और ये जो है मंत्री और विधायक के घर में होता है, हम लोग को आम जनता मजदूर किसान के घर में नहीं होता है। क्या हम लोग अपना कीमती वोट दे के जिनको भेजते हैं उन्हीं के घर में होगा? हम लोग के घर में नहीं होगा? हम लोग का भी घर में होना चाहिए। इसी को नजर खोलने के लिए हम लोग इस काम को उठाए हैं। और जब मच्छर मलेरिया डेंगू होता है उस टाइम में हम लोग बरसात में मच्छर मलेरिया डेंगू का अभी तक कोई छिड़काव नहीं कराया, हम लोग ने छिड़काव कराए हैं। और आप देखे होइएगा जब भी छिड़काव हुआ होगा 15 रोज तक मच्छर नहीं लगा होगा। और जितना भी हो सकता है हम बोलते कम है और काम करने का ज्यादा कोशिश करते हैं। आप देखे होइएगा जो यहाँ का भी 2-4-10 विद्यार्थी हैं जो कि रांची गए होंगे, तो उनको ITI में हम 5,000 रुपया कम करा के एडमिशन कराए हैं 2-4 दिन रख के, और रूम सेट करके और वहाँ पर मैं रख के पढ़ाने का काम किए हैं। आपका जहाँ भी हेल्प मिला है सब जगह हेल्प करके और लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। जनवरी फरवरी मार्च में आप लोग देखे होइएगा 1 लाख कलम कॉपी बच्चा को बीच में वितरण किए थे, जो बच्चा स्कूल नहीं जाते थे उसके ज़्यादा लाए थे, उसको विद्यार्थी को प्लस विद्यार्थी को तो जो मेहनत लगता है सो लगता ही है, उनका माता पिता का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। इसके चलते विद्यार्थी को प्लस उनके माता पिता को दोनों आदमी को सम्मानित करने का काम हम लोग ने किए थे। आप देखिएगा कोरोना महामारी आया था उस टाइम में हमारे डॉक्टर पुलिस कर्मी सफाई कर्मी सभी को खूब सम्मानित कर रहे थे। उस टाइम में जो समाज से भी गांव में घूम रहे थे उनको सम्मानित करने वाला कोई नहीं था, उस टाइम में हमने सभी आदमी को सम्मानित करने का काम किया था।